आ जाओ भाई, आज हम फिर से जो स्केलेटल मसल हैं उनके बारे में और स्केलेटल सिस्टम मसल और बोन दोनों के कुछ क्वेश्चन जो हैं वो पार्ट टू के अंदर हम करेंगे। और कोई भी आपको डाउट हो, किसी भी तरह की कोई भी समस्या हो पढ़ाई से रिलेटेड, तो इस नंबर के ऊपर आप व्हाट्सएप कर सकते हैं, वॉइस मैसेज डाल सकते हैं और अपनी क्वारीज को आप अच्छी तरह से क्लियर कर सकते हैं। हमारी तरफ से हम कोशिश करते हैं कि सारे क्वेश्चन जो हैं और क्वारीज इसके अंदर कवर हो जाएं। कुछ चीज़ें आपकी थ्योरी के अंदर कवर होती हैं, कुछ चीज़ें थ्योरी में कवर नहीं हो पाती हैं, कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें उनको हम MCQ से भी आपको समझाते हैं। फिर भी किसी तरह का कोई डाउट रहता है तो ये व्हाट्सअप नंबर है, इसके ऊपर आप संपर्क कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 जो है इसके बारे में, स्मॉलेस्ट मसल इस। तो स्मॉलेस्ट मसल से पहले मैं आपसे पूछूंगा कि स्मॉलेस्ट बोन कौन सी है। तो स्मॉलेस्ट बोन जो है वो कौन सी है? स्टेपीज। और स्टेपीज ये कहाँ होती है? आपके ईयर में होती है स्मॉलेस्ट बोन। और लार्जेस्ट बोन आपको पता है जो थाई बोन, जिसका नाम क्या है? फीमर, वो लार्जेस्ट बोन है। तो स्मॉलेस्ट जो बोन है जो हमारे ईयर में होती है स्टेपीज, इससे जुड़ी हुई मसल का नाम क्या होगा? स्टेपीडस। इसलिए यदि आपको पता स्मॉलेस्ट बोन कौन सी है तो स्मॉलेस्ट मसल उसी से जुड़ी है, दैट इज स्टेपीडस। तो ये इसका करेक्ट आंसर जो है वो स्टेपीडस है। इसके बाद हम बात करें ग्लूटियल मसल, तो इनको बटक मसल भी बोलते हैं। हमारे जो हिप होते हैं, हिप जिसको बोलते हैं कि तशरीफ लाइए, तशरीफ रखिए, तो हिप जो है इन मसल को क्या बोलते हैं? ग्लूटियल मसल है। बाइसेप जो आपकी बाजू के अंदर और जो मसल्स आप दिखाते हैं वो बाइसेप हैं सामने की तरफ, और पीछे वाली मसल जो है उसको हाथ में ऊपर जो ह्यूमरस बोन है उसके सामने वाली बाइसेप, पीछे वाली क्या है? ट्राइसेप है। और यदि तो ये आपका पहला क्वेश्चन हुआ कि स्मॉलेस्ट मसल जो स्मॉलेस्ट बोन से जुड़ी है स्टेपीडस। क्वेश्चन नंबर 2 में आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर क्या पूछा है? क्वेश्चन नंबर 2 में पूछा मसल्स आर अटैच विथ बोन, मसल्स आर अटैच विथ बोन वाया, मसल बोन के साथ जुड़ी होती हैं किसके थ्रू? तो मैंने आपको क्या बताया था? मैंने आपको बताया बी एम टी अपना शॉर्ट फॉर्म था। बी का मतलब बोन, एम का मतलब मसल, टी का मतलब क्या है? टेंडोन। तो इसलिए आंसर क्या है? ए। तो जितनी भी हमारी स्केलेटल मसल हैं वो टेंडोन के थ्रू आपकी बोन के साथ में जुड़ी होती है। और यदि कहे कि बोन से बोन को जोड़ने का काम कौन करता है, तो ये काम कौन करता है? लिगामेंट जो है वो करते हैं। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 3 के अंदर, थोड़ा ध्यान से पढ़िए इसको। क्या पूछ रहा? हाउ मैनी टाइप ऑफ मसल टिश्यू प्रजेंट इन द ह्यूमन बॉडी, कौन से पूछ रहा है? मसल टिश्यू। यदि आपको सिर्फ क्वेश्चन करता टिश्यू कितने टाइप के हैं तब तो आप क्या बोलते? 4 टाइप के। लेकिन ये पूछ रहा हाउ मैनी टाइप ऑफ मसल टिश्यू। तो देखो मसल जो हैं वो स्केलेटल मसल होती जो कि वॉलेंट्री और स्ट्रेटेड होती, दूसरी आपकी स्मूथ मसल, और तीसरी क्या है? कार्डियक मसल। यही तो मसल होती हैं, और स्मूथ और कार्डियक मसल इनवॉलेंट्री होती हैं। तो इसलिए आपने कहा मसल कितने टाइप की हैं, तो आंसर क्या है? A 3। तो इसलिए देखना ये नहीं कि सिर्फ आपने टिश्यू देखा और आंसर कर दिया, इसके अंदर ये कह रहा मसल टिश्यू। तो मसल टिश्यू आपकी स्केलेटल मसल, स्मूथ मसल और कार्डियक मसल 3 टाइप के होते हैं। और मसल से मैंने बताया ऐसी कौन सी मसल हैं जो लाइफ लॉन्ग बिना थके बिना किसी फटीक के काम करती हैं, तो उसका आंसर क्या है? उसका आंसर है कार्डियक मसल, जो हमारे हार्ट में होती हैं। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर, और क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है? रिकॉर्डिंग ऑफ इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी ऑफ मसल, हमारे मसल्स की जो इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी है उसकी रिकॉर्डिंग को क्या कहेंगे? तो इसकी रिकॉर्डिंग को हम कहेंगे ई एम जी का मतलब इलेक्ट्रोमायोग्राफी। देखो ग्राफी का मतलब ग्राफिक मतलब पिक्चर, रिकॉर्डिंग है ग्राफी, और मायो का मतलब मसल से, और इलेक्ट्रो मतलब इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी। देखो इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी ऑफ मसल, तो स्केलेटल मसल की जो इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी है उसकी जो रिकॉर्डिंग है, जैसी भी रिकॉर्डिंग आएगी उस जैसे मैंने ये हाथ से किया ऐसी रिकॉर्डिंग इलेक्ट्रोमायोग्राफी। ये तो इसका करेक्ट आंसर हो गया। लेकिन
इसे बाकी क्वेश्चन को भी एक बार देखना है। बाकी ऑप्शन देखो, ईसीजी ये क्या है, इसको आप कहेंगे रिकॉर्डिंग ऑफ इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी ऑफ क्या है, हार्ट, हमारे हार्ट की जो इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी हैं उनकी रिकॉर्डिंग को क्या कहेंगे, ईसीजी, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, और ईईजी इलेक्ट्रोइनसीफिलोग्राम, ये ऑप्शन बी जो दिख रहा है ये किसकी है, इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी ऑफ ब्रेन, हमारे ब्रेन की जो इलेक्ट्रिकल एक्टिविटीज़ हैं और ब्रेन की जो इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी हैं उनको क्या बोलेंगे, उनको आप बोलते हैं ईईजी, इलेक्ट्रोइनसीफिलोग्राम। तो यदि किसी को मिर्गी की प्रॉब्लम होती है, ब्रेन से संबंधित कोई दिक्कत होती है, तो ब्रेन के ऊपर उसको एक टोपी सी पहनाते हैं और उसमें इलेक्ट्रोड लगे होते हैं और ब्रेन की इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी को चेक करते हैं। तो ये ब्रेन की इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी ईईजी, इलेक्ट्रोइनसीफिलोग्राम, हार्ट की एक्टिविटी जो है वो आपकी है, हार्ट की एक्टिविटी क्या है इनको आप कहेंगे दैट ईसीजी, और मसल में क्या है, इलेक्ट्रोमायोम, एम से मसल, एम से क्या है, मायो, इस तरह से आपको याद रखना है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर फाइव में क्या है, मसल स्टोर ऑक्सीजन, सॉरी विच मॉलिक्यूल स्टोर ऑक्सीजन इन स्केलेटल मसल, इनमें से कौन सा मॉलिक्यूल है जो स्केलेटल मसल्स में ऑक्सीजन को स्टोर करता है। तो ये अच्छी तरह से पढ़ना है कि ऐसा कौन सा मॉलिक्यूल है दैट इज स्टोर ऑक्सीजन इन स्केलेटल मसल। देखो हमारी बॉडी में ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्टेशन का काम कौन करता है, हीमोग्लोबिन, जो कि आरबीसी के अंदर होता है, और ऑक्सी हीमोग्लोबिन के तौर पे ये ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करता है, और कार्ब एमिनो हीमोग्लोबिन के तौर पे ये CO2 को ट्रांसपोर्ट करता है। तो ये स्केलेटल मसल से संबंधित नहीं है, ये हीमोग्लोबिन आरबीसी के अंदर और ब्लड में, लेकिन ये पूछ रहा है ऐसा कौन सा मॉलिक्यूल है जो ऑक्सीजन को मसल में स्टोर करता है, तो इसका नाम है मायोग्लोबिन। देखो अभी मसल से एम और एम से क्या है, मायो, जैसे ऊपर कहा था इलेक्ट्रोमायोग्राफी, तो इसी तरह से मायोग्लोबिन। तो मायोग्लोबिन एक ऐसा प्रोटीन है, देखो ग्लोबिन का मतलब क्या है, प्रोटीन, और मायो का मतलब मसल में, और ये प्रोटीन मसल के अंदर प्रेजेंट होता है और इसके साथ में ऑक्सीजन बाइंड होती है, और जिन मसल के अंदर मायोग्लोबिन है और ये ऑक्सीजन से बाइंड है वो मसल दिखने में कैसी दिखती है, लाल रंग की। जैसे आप जानते हैं हमारी आर्टरी के अंदर जो ब्लड है वो कैसा होता, रेड, क्योंकि आर्टरी के अंदर जो हीमोग्लोबिन है वो ऑक्सीजन के साथ में जुड़ा होता है, और ऑक्सी हीमोग्लोबिन की वजह से आपके ब्लड का आर्टरी में कलर कैसा है, रेड। लेकिन जो वेन है वहाँ हीमोग्लोबिन CO2 के साथ जुड़ा होता है और उसका कलर ब्लू होता है। तो सेम चीज़ आपकी स्केलेटल मसल यदि लाल रंग की दिख रही है, इसका मतलब उसमें मायोग्लोबिन ऑक्सीजन बाइंडिंग मॉलिक्यूल और इसमें ऑक्सीजन वहाँ बाइंड है। तो ये क्वेश्चन नंबर फाइव का आंसर क्या है, सी। इसी क्वेश्चन को यदि बदलाव करके पूछें तो ये पूछ सकता है कि आपकी बॉडी में ऑक्सीजन ट्रांसपोर्टेशन करने वाला प्रोटीन कौन है, मॉलिक्यूल कौन है, तब आप क्या कहते, हीमोग्लोबिन। और आपको पता है हीमोग्लोबिन मैक्सिमम 4 ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल को क्या कर सकता है, ट्रांसपोर्ट कर सकता है, 4 ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल को क्या कर सकता है, ट्रांसपोर्ट कर सकता है, मैक्सिमम 4 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल को ये क्या करता है, ट्रांसपोर्ट जो है वो करता है। तो यदि ऑक्सीजन ट्रांसपोर्टेशन का काम कौन सा प्रोटीन करता, मॉलिक्यूल करता है, हीमोग्लोबिन, लेकिन मसल में ऑक्सीजन स्टोर कौन करता है, एम से मसल, एम से क्या, मायोग्लोबिन, आंसर इज सी। इसी में मैं और क्वेश्चन कर सकता हूँ कि आपके ब्लड का ऑस्मोटिक प्रेशर किसकी वजह से होता है, तो आप क्या बोलेंगे, एल्ब्यूमिन की वजह से होता मोस्टली, और एल्ब्यूमिन के ऊपर जो ड्रग की बाइंडिंग साइड होती हैं वो कितनी होती हैं, वो 4 होती हैं, याद रखना है, और एसिडिक ड्रग होती हैं हमारी बॉडी में, ये फार्माकोलॉजी में पढ़ते हैं, एसिडिक ड्रग एल्ब्यूमिन के साथ में क्या होती हैं, बाइंड होती हैं। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर, और क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर क्या है, न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज्ड एट न्यूरोमस्कुलर जंक्शन इज, न्यूरोमस्कुलर जो जंक्शन है जहाँ क्या है, न्यूरॉन और मसल मिलती हैं, तो इसको मैं डायग्राम से समझाऊँ, तो देखो ये न्यूरॉन है, इस न्यूरॉन के अंदर ये आपकी एसीटाइल कोलिन स्टोर रहती है, एसीटाइल कोलिन यहाँ रिलीज होती है, और इधर आपकी क्या है, ये मसल है, और यहाँ पे रिसेप्टर होते हैं, ये मान लीजिए रिसेप्टर हैं, तो इस जगह को हम क्या बोलेंगे, ये न्यूरॉन,
और ये मसल, तो इस जगह को क्या बोले, न्यूरो, और इधर मस्कुलर जंक्शन, और ये बोल रहा है कि न्यूरो ट्रांसमीटर रिलीज एट न्यूरो मस्कुलर जंक्शन क्या है। तो मैं कहूँगा ये न्यूरो ट्रांसमीटर एसीटाइल कोलिन होता है, और यहाँ अपने इसके रिसेप्टर हैं जिनको बोलते हैं एन एम, एन, और ये एम क्या है नीचे की साइड में, ये एन है और ये एन, ये एन और एम, एन एम रिसेप्टर के ऊपर ये काम करता है। तो करेक्ट आंसर इसका क्या है, ए। तो न्यूरोमस्कुलर जंक्शन के ऊपर एन एम रिसेप्टर पे एसीटाइल कोलिन न्यूरो ट्रांसमीटर काम करता है। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, और नेक्स्ट क्वेश्चन जो है इसके अंदर क्या लिखा है, ये क्वेश्चन कह रहा कि रीजन बिटवीन जेड लाइन इज। तो आपको स्केलेटल मसल कॉन्ट्रैक्शन के अंदर कुछ चीज़ें मैंने पहले डिस्कस की थी, एक बार फिर से मैं इसको बता रहा हूँ। देखो ये एक लाइन है, ये जेड लाइन, ये भी क्या है, ये भी जेड लाइन, ये दो जेड लाइन है, और इन जेड लाइन के बीच में यहाँ एक प्रोटीन का फिलामेंट होता है जिसका नाम अभी मैं बताऊँगा, ये, और एक ये यहाँ बीच में होता है, और ये जो चीज़ है, ये जो यूनिट बनी है, ये सार्कोमेयर है। तो स्केलेटल मसल की फंक्शनल स्मॉलेस्ट यूनिट क्या होती है, सार्कोमेयर, और सार्कोमेयर के अंदर ये जो दिख रहा है ये ए बैंड है जो मैं लाइन खींच रखी है, इन दोनों के बीच में जो जगह है ये सेंट्रल जगह दिख रही है, एच बॉन्ड है, और ये जो दिख रहा है दोनों तरफ ये क्या है, ये इधर और इधर, ये जो लाइन ड्रॉ कर रखी यहाँ तक ये वाली लाइन, ये क्या है, ये आई बैंड है, ठीक है। तो देखो ए बैंड यहाँ दे रखा है, ये रहा आई बैंड जो है, ये रहा, ये इधर और इधर, और एच बैंड बीच में जगह है, ये रहा, ये समझाने के लिए बनाया है। और ये जो पूरी यूनिट है इसको क्या बोलते हैं, सार्कोमेयर। तो सार्कोमेयर हमारी स्केलेटल मसल्स का क्या है, स्मॉलेस्ट और फंक्शनल यूनिट है, या स्केलेटल मसल में मायोफाइब्रिल होता है, मायोफाइब्रिल के अंदर सार्कोमेयर होता है। तो ये कह रहा है रीजन बिटवीन जेड लाइन, तो जेड लाइन के बीच का जो रीजन है इस पूरे रीजन को क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं सार्कोमेयर। तो ये आंसर हो गया ए। अब इसके अंदर और बातें समझाता हूँ, ये जो ए बैंड है इसको हम कहेंगे एक माँ, एक माँ, मैंने ये एम लिखा है, एक माँ, और ये आई से इटली से आई, ऐसे याद रखना है, दिमाग में आप कोई पॉलिटिशियन है उसके बारे में सोच सकते हैं। तो एक माँ इटली से आई, तो देखो ये ए बैंड है, और ये ए बैंड किसका बना था, एम का मतलब ये मायोसिन का बना होता है, और इटली तो ये आई बैंड है, आई ये किसका बना, ये आई बैंड किसका बना है, एक्टिन का बना हुआ है, और एच बीच में क्या है, खाली जगह है। दूसरा एक माँ, और माँ देखो किसी की भी होती है तो उम्र हो जाती तो मोटी हो जाती है, तो एक माँ और वो क्या है, मोटी, मोटी का मतलब थिक। तो ये जो ए बैंड है ये थिक होता है, जबकि ये आई बैंड क्या होता है, थिन, पतला होता है। कुछ क्वेश्चन आगे आएंगे जिससे आपका डिस्कशन और भी क्लियर होगा। फिर से मैं आपको बता रहा हूँ, रीजन बिटवीन जेड लाइन ये क्या था, सार्कोमेयर था। सार्कोमेयर पूरी यूनिट जो है सार्कोमेयर बोलते हैं, दोनों तरफ जेड लाइन है, इसकी यूनिट को सार्कोमेयर बोलते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 8 में आ जाइए, ए बैंड ऑफ स्केलेटल मसल इज मेड अप ऑफ। तो मैंने क्या बताया था, ये जेड लाइन, ये जेड लाइन, इधर ये आई, ये आई, ये क्या था, ए। तो ये एक, और इसको क्या बोला था, माँ, फिर इसको क्या कहा, इटली से आई, ये बोला था। तो ये ए अब्जॉर्प्शन बैंड है, ये आई अब्जॉर्प्शन बैंड है, इधर भी ये आई अब्जॉर्प्शन बैंड दोनों तरफ है, ये किसका बना है, मायोसिन का, ये किसका बना है, एक्टिन का, और ये ए अब्जॉर्प्शन बैंड क्या होता है, थिक होता है, जबकि आई वाला क्या होता है, थिन होता है। अब ये सारे क्वेश्चन आ जाएंगे। तो देखो ए अब्जॉर्प्शन बैंड ऑफ स्केलेटल मसल फाइबर इज मेड अप ऑफ, तो ए अब्जॉर्प्शन बैंड किसका बना है, मायोसिन का। तो आंसर क्या हो गया, बी। दूसरा आप याद रखना, जब मसल कॉन्ट्रैक्ट होती हैं तो ये जो जेड लाइन है और ये जेड लाइन है ये एक दूसरे के पास जाती हैं, इधर चलती है और ये इधर चलती है, जैसे एक दूसरे की तरफ जाती हैं तो इसके अंदर ये जो एच बैंड बीच में था ये तो गायब हो जाता है, और जो आई बैंड है ये भी पास पास आते हैं, इनकी लेंथ भी कम होती है, लेकिन जो ए अब्जॉर्प्शन बैंड है मसल कॉन्ट्रैक्शन के दौरान इसकी लेंथ में कोई फर्क नहीं पड़ता, दोनों जेड लाइन एक दूसरे के पास आती हैं, और जेड लाइन के बीच की जगह क्या, सार्कोमेयर, तो सार्कोमेयर की लेंथ कम होती है।
आई बैंड एच बैंड इनकी लेंथ कम होती है, बीच में एक लाइन होती है एम उसकी भी लेंथ कम होती है, लेकिन ए अब्जॉर्प्शन बैंड की लेंथ में कोई कमी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये थिक बैंड है याद रखना। कुछ क्वेश्चन आगे आएंगे तो चीज़ क्लियर हो जाएगी। अभी तो आपको यही मैंने कहा कि जेड लाइन के बीच की यूनिट क्या है, साथ में मैंने ये बताया तो सार्कोमेयर। दूसरा ए बैंड तो मैंने कहा एक माँ मायोसिन का बना है। फिर मैंने नेक्स्ट क्वेश्चन लिख दिया है जो मैं डिस्कस कर रहा था कि एक माँ, तो ये आपने कहा एक माँ और ये क्या है इटली से आई, तो ये आई जो बैंड है वो किसका बना है एक्टिन का, तो ये आई अब्जॉर्प्शन बैंड। देखो आई बैंड ऑफ द स्केलेटल मसल फाइबर इज मेड अप ऑफ, तो इसका आंसर क्या है ए एक्टिन। तो मसल के रिगार्डिंग दो ही चीज़ें, एक एक्टिन और एक मायोसिन। ये मायोसिन है, ये क्या है एक्टिन, इन दोनों को याद रखना है। एक्टिन के अंदर कुछ और भी प्रोटीन होते हैं ट्रोपोनिन ट्रोपोमाइसिन, ये ट्रोपोनिन और ट्रोपोमाइसिन ये भी हम कई बार पढ़ते हैं कि कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन है, ये एक्टिन के अंदर प्रजेंट होते हैं। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। और क्वेश्चन नंबर 10 के अंदर देखो कॉलम 1 और कॉलम 2 मैच करना है, जो हम डिस्कस कर रहे थे उसी चीज़ को समझाया। देखो ये मैंने समझाने के लिखा, देखो मायोसिन अभी मैं कह रहा था क्या एक माँ, और माँ से मायोसिन और माँ से मोटी, तो ये देखो ए अब्जॉर्प्शन बैंड जो है वो मायोसिन का बना होता है और मायोसिन मोटी है, इसलिए मायोसिन कैसा बैंड है थिक फिलामेंट होता है, ये थिक अब्जॉर्प्शन बैंड या थिक फिलामेंट बोल दीजिए। और दूसरा कहा था इटली से आई, तो इटली से आई तो इटली ये आई बैंड है, ये एक्टिन का बना है, और जो माँ इटली से आई वो तो बिल्कुल थिन है, आपको पता पॉलिटिशियन के हिसाब से सोनिया गांधी जी के हिसाब से याद रखिए, तो एक माँ इटली से आई जो इटली से आई है वो तो थिन है, तो ये एक्टिन जो है ये थिन फिलामेंट है, लिखा देखो एक्टिन थिन फिलामेंट। तो ये चीज़ें आपको थिन और थिक आपको सिखाने के लिए बोली हैं, इनको याद करना है। अब मैं बात कर रहा हूँ कि ये मैंने कहा देखो आई अब्जॉर्प्शन बैंड, तो आई का मतलब क्या है एक्टिन, तो देखो आई ये रहा आई ये रहा, और इसको आइसोट्रॉपिक बोलेंगे कि एनिसोट्रॉपिक, तो इसलिए याद करना देखो आई बैंड जो है वो एक्टिन का बना होता है, और आई से इसमें आइसोट्रॉपिक वर्ड लेंगे, तो आई अब्जॉर्प्शन बैंड और आई से आइसोट्रॉपिक, तो इसका आंसर है ये। उसके बाद मायोसिन, मायोसिन मैंने क्या कहा था ये किस क्या बैंड है ए अब्जॉर्प्शन बैंड, और ए में ए आता है तो ए से क्या ए अब्जॉर्प्शन बैंड यहाँ भी और यहाँ भी, लेकिन ए से एनिसोट्रॉपिक यानी एस, और एस का क्या है टू, तो पी का वन और एस का टू, तो ये आंसर क्या है इसका डी। देखो पी का वन, तो पी के देखो आई अब्जॉर्प्शन बैंड देख लीजिए, तो आई का होता देखो ये ए, तो ए होता जो थिन होता है, तो ये अपने आप आ जाएगा, और आई से ये क्या है आइसोट्रॉपिक, और ए से ये क्या है ए से ए एनिसोट्रॉपिक, तो इसका आंसर क्या है डी। तो मैंने स्केलेटल मसल का जो कॉन्ट्रैक्शन है उसके बारे में डिटेल से आपको बताया है। अब इसके बाद में नेक्स्ट पार्ट आ जाइए जो इसी मसल कॉन्ट्रैक्शन से रिलेटेड है। अब देखो इसको डिस्कस करके कन्फ्यूजन दूर हो जाएगा। स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मायोफाइब्रिल, तो मैंने कहा था स्केलेटल मसल की स्मॉलेस्ट यूनिट क्या होती है सार्कोमेयर, तो स्केलेटल मसल में मायोफाइब्रिल होती हैं, और मायोफाइब्रिल जो है कई सार्कोमेयर से मिलके बनता है, तो मायोफाइब्रिल स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मायोफाइब्रिल क्या है सार्कोमेयर। फिर सार्कोमेयर के अंदर जो लिखा है ए बैंड आई बैंड एच बैंड ये सब सार्कोमेयर में होते हैं। दो जेड लाइन के बीच में जो यूनिट थी उसको हम क्या बोलते थे जेड लाइन के बीच में सार्कोमेयर, बीच वाली लाइन एम लाइन भी होती है। इसके बाद देखो प्रोटीन ऑफ थिक फिलामेंट, तो थिक कौन थी, तो एक माँ माँ थिक थी, तो ये क्या है ये टू हो गया मायोसिन जो कि ए अब्जॉर्प्शन बैंड है। थिन फिलामेंट कौन है, तो आपने कहा आई बैंड, और आई बैंड क्या इटली से जो आई वो थिन है, तो ये क्या है एक्टिन हो गया। फिर लिखा देखो सेंट्रल पार्ट ऑफ थिक फिलामेंट, जो मैंने डायग्राम बनाया था उसके अंदर बीच मैंने क्या लिखा था एच, तो सेंट्रल पार्ट ऑफ थिक फिलामेंट नॉट ओवरलैप्ड बाय थिन फिलामेंट इज, वो क्या था एच बैंड था बीच वाला हिस्सा, तो इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर डायरेक्टली मैच हो रहा है, तो पी का 1 2 3 4 आंसर इसका क्या है ए। अब इसके बाद नेक्स्ट आ जाइए, नेक्स्ट क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन है ये द लेंथ ऑफ द फॉलोइंग इज डिक्रीज ड्यूरिंग मसल कॉन्ट्रैक्शन, ये कह रहा मसल कॉन्ट्रैक्शन के दौरान इनकी लेंथ कम होती एक्सेप्ट, यानी किसकी लेंथ कम नहीं होती, तो मैंने अभी बताया था कि देखो ये दो लाइन है ये जेड लाइन होती है ये भी जेड लाइन है, इधर से ये आई बैंड और आई बैंड
बीच में ये क्या है ए, और इसके नीचे का एरिया जो था उसको हमने क्या बोला था, एच बैंड, जो मैंने कहा था एक्टिन या थिक बॉन्ड के नीचे का जो सेंट्रल एरिया है जिसके ऊपर आई बैंड ओवरलेप नहीं करता, ये क्या है एच ऊपर के क्वेश्चन में। अब यहाँ आपको याद रखना, देखो एच बैंड ये तो डिसअपियर हो जाता क्योंकि ये आई जब ये दोनों जेड लाइन एक दूसरे के पास आती हैं ऐसे, ये दोनों जेड लाइन मसल कॉन्ट्रैक्शन होगा तो दोनों एक दूसरे के पास आएंगी तो एच बैंड तो गायब ही हो जाता है, डिसअपियर हो जाता है। आई बैंड की लेंथ भी कम होती है लेकिन ए अब्जॉर्प्शन बैंड की लेंथ कम नहीं होती। तो सीधा आप याद भी कर लें कि मसल कॉन्ट्रैक्शन के दौरान जो सार्कोमेयर है उसकी लेंथ कम होगी, जेड लाइन जो है एक दूसरे के पास आएंगी, आई अब्जॉर्प्शन बैंड की लेंथ कम होगी, एच बैंड तो डिसअपियर हो जाएगा लेकिन जो ए अब्जॉर्प्शन बैंड है इसकी लेंथ में कोई कमी नहीं होगी। और ये अब्जॉर्प्शन बैंड किसका बना है, मायोसिन का एक माँ। अब इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 में लार्जेस्ट कार्पल बोन क्या है, तो देखो कार्पल बोन जो है इनको रिस्ट बोन बोलते हैं। और हमारे देखो हाथ का मतलब अलग होता है, हाथ का मतलब जहाँ आप घड़ी बांधते हैं, कलाई पे धागा बांधते हैं, राखी बंधवाते हैं, फ्रेंडशिप बैंड बंधवाते हैं, उससे आगे का हिस्सा अंगुलियों की तरफ का हिस्सा उसको सिर्फ बोलते हैं हैंड, जैसे हैंड बोन। और यदि पूरा हाथ की बात करेंगे तो इसको बोलेंगे लिम्ब, और हाथ की बात करें तो अपर लिम्ब, कौन सा लेफ्ट लिम्ब या राइट लिम्ब। तो जैसे मैंने कहा था लिम्ब में कितनी बोन है तो 30, लेकिन यदि कहें हैंड बोन कितनी है तो हैंड बोन 27 ही होंगी क्योंकि आपकी जो जहां आप घड़ी बांधते हैं उसके आगे का हिस्सा है हैंड, उसमें 27 बोन है क्योंकि उसमें कार्पल कितनी होती है 8, फिर मेटा कार्पल 5, और फिर फिलान जो अंगुली फिंगर बोन 14। तो ये कितने हो गए, तो 8, 5, 13 और 14 कितने 27। और यदि इसके अंदर मैं रेडियस अल्ना और ह्यूमरस जोड़ दूँ तो ये कितनी हो जाती हैं 30। इसलिए यदि पूछे कि अपर लिम्ब चाहे लेफ्ट हो चाहे राइट कितनी बोन 30 और हैंड बोन कितनी है तो 27 करनी है। अब यहाँ मैं बात कर रहा हूँ कि इसने लिखा है कि आपकी जो कार्पल बोन है वो कितनी होती हैं 8 होती हैं। अब इनके नाम जो है वो आपको क्या है याद करनी है, और कैसे याद रखेंगे मैं थोड़ा सा छोटा सा ट्रिक बनाया है। तो देखो कैपिटल में ये कैपिटेट है लेकिन आप करेंगे कैपिटल में, कोई भी सिटी का कैपिटल होता है, और लूनेट लूना पर, लूना जो होती है पहले लूना चलती है, आजकल स्कूटी चलती है मोटरसाइकिल, पहले लूना चलती थी। तो इसलिए हम क्या शॉर्ट फॉर्म बनाएंगे, हम बनाएंगे देखो कैपिटल में लूना पर हेलमेट के साथ, ऐसे याद रखना है। तो कैपिटल में लूना पर यानी आप कैपिटल में है किसी शहर की और उसमें लूना है आपके पास में, हेलमेट है और हेलमेट के साथ, तो ये आपकी क्या है कार्पल बोन है। तो कैपिटेट है, लूनेट है, हेमेट है, इसके फोइड है। अब इसमें आगे क्वेश्चन आता है कि क्वेश्चन पूछा लार्जेस्ट कैपिटल कार्पल बोन कौन सी है, तो लार्जेस्ट कौन है कैपिटेट। इमेजिन करो कि आप कैपिटल में हैं, किसी भी शहर की कैपिटल है, उसके अंदर लूना आपकी छोटी सी है, हेलमेट भी छोटा सा है और हेलमेट के साथ आप हैं, तो बड़ा कौन हुआ, कैपिटल बड़ी हुई। तो इसलिए ये क्वेश्चन इस तरह से कि लार्जेस्ट कार्पल बोन क्या है, तो दैट इज कैपिटेट। तो कैपिटल में लूना के साथ, लूना पर हेलमेट के साथ, इस तरह से आपको चार बोन तो याद होगी, आगे की बोन याद कराता हूँ चार और। मैंने क्या कहा था, कैपिटल में लूना पर हेलमेट के साथ, फिर हेलमेट नहीं पहनते तो कौन टोकता आपको, ट्रैफिक पुलिस। तो ये रहा टी से ट्रैफिक, पी से पुलिस, और यदि हेलमेट पहन रखा है तो ट्रैफिक पुलिस को टाटा, टाटा बाय बाय, ठीक है। तो इस तरह से ये आठ बोन देखो, चार ऊपर हैं चार नीचे, ये आपकी आठ कार्पल बोन होती हैं। और शॉर्ट ट्रिक क्या है, कैपिटल में लूना पर हेलमेट के साथ, अगला खुद लिखेगा आपको ये ट्रिक याद करनी, पहचान जाएंगे, फिर ट्रैफिक पुलिस को टाटा, इस तरह से आप इसको याद रखेंगे। अब देखो मैंने लार्जेस्ट बोन कार्पल बोन का कैपिटल सबसे बड़ी है, क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर ए हो गया, लेकिन क्वेश्चन नंबर 14 पूछा स्मॉलेस्ट कार्पल कौन है, तो पीसी फॉर्म ये सेकंड, ये स्मॉलेस्ट है। आप पीसी को ऐसे ये करना कि हमारा जो कंप्यूटर होता है ना, पर्सनल कंप्यूटर जो है उसको पीसी बोलते हैं शॉर्ट में, तो पीसी वो छोटा सा होता है, बिस्तर में भी लेके सो जाइए आप, तो ये पीसी फॉर्म जो है ये स्मॉलेस्ट कार्पल है, और ये कैपिटेट क्या है लार्जेस्ट कार्पल होती है। और किसी कार्पल बोन में सबसे ज़्यादा यदि आप गिर जाएं
तो फ्रैक्चर होने के चांसेस जो होते हैं वो स्केफोइड जो बोन है सबसे ज़्यादा ये फ्रैक्चर होती है, गिरने के ऊपर गिरेंगे और हाथ को आपने लगा लिया तो इसके फ्रैक्चर होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर क्या है 50, क्योंकि कार्पल बोन अभी जो मैंने बताया था वो आपकी रिस्ट बोन थी, अब आपके पैर जो है ये मान लीजिए पैर, और पैर के ये नीचे का हिस्सा ये आपकी एडी और ये आपका पंजा है ना, तो यहाँ ये जो एरिया है यहाँ की बोन जो है उनको ये एंकल जॉइंट होता है, और इसकी जो बोन है उनको क्या बोले टार्सल बोन, ये एंकल बोन है। और टार्सल बोन देखो 7 होती हैं, फिर मेटा टार्सल यहाँ होंगी पैर में ये 5 ही होंगी, और फिलांज पैर की अंगुलियाँ हैं, ये पैर की अंगुलियाँ ये 14 ही होंगी। तो फ़र्क क्या है वहाँ हाथ में देखें हैंड के अंदर तो कार्पल 8 होती हैं, मेटा कार्पल 5 और फिलांज 14, लेकिन यहाँ पैर के अंदर पैर का जो पंजा है यहाँ टार्सल फिर मेटा टार्सल फिर क्या है फिलांज, तो देखो टार्सल 7 मेटा टार्सल पांचों पैरों की अंगुलियों को 5 और अंगुलियों की पैर में गिन लीजिए 14 होंगे, तो ये फिंगर बोन फिलांज 14 है, तो ये पूछ रहा है टोटल नंबर ऑफ टार्सल बोन कितनी है 7 होंगी। अब क्वेश्चन आ जाते हैं 14 नेक्स्ट में, लार्जेस्ट टार्सल बोन कौन सी है, तो पहले मैं फिर से डायग्राम आपको बताता हूँ, तो लार्जेस्ट टार्सल बोन कौन सी है, तो देखो लार्जेस्ट टार्सल बोन कौन सी है, तो देखो ये आपका पैर, ये आपकी एडी और फिर ये आपका पैर का पंजा है ना, तो डायग्राम आप समझ लेना क्योंकि मैं इतना कोई चित्रकार नहीं हूँ, टीचर ही हूँ, तो आप समझ गए होंगे। तो ये पैर में आपने जूता पहन रखा, ये आपकी क्या एडी है, और आपकी एडी में पीछे की तरफ जो बोन निकली होती है ना वो बोन क्या है उसका नाम है कैलकनस, और यही लार्जेस्ट टार्सल बोन होती है, यही लार्जेस्ट टार्सल बोन होती है, और ये टार्सल बोन 7 हैं, इनको कैसे याद रखेंगे तो इसको भी ट्रिक बताता हूँ कि टेलस नेवी कूलर, टेलस एक बच्चा उसका नाम है टेलस, वो कॉलेज में आता है कई दिनों बाद में और टीचर उसको पूछता है, तो आपको ऐसे इमेजिंग करना है कि एक क्लास है उसमें कोई मेरे जैसा टीचर खड़ा है, वहाँ कोई एक स्टूडेंट है और ये क्लास इंडिया की नहीं बाहर की है दूसरे कंट्री की, तो टीचर उससे पूछता है कि टेलस, उस लड़के का नाम है टेलस नेवी कूलर, टेलस मतलब नाम नहीं है टेल एस, ये हमें बताओ टेलस, थोड़ा चेंज कर लिए ट्रिक को, टेल एस हमें बताओ लड़के का नाम नेवी कूलर, कि नेवी कूलर क्यों नहीं, तो यह है क्यूनी फॉर्म, क्यों नहीं कल्कनस, कल्कनस मतलब कल कॉलेज आए क्यूबॉइड, ये इस तरह से ट्रिक है दोनों क्वेश्चन मिला के, कि देखो टेलस, तो ये मैं हिंदी इंग्लिश मिला के बोल रहा हूँ टेलस, कि हमें बताओ टेलस लड़के का नाम क्या नेवी कूलर, नेवी कूलर क्यों नहीं, क्यों नहीं, तो ये क्यूनिफॉर्म, क्यों नहीं कल्कनस यानी कल कॉलेज आए, कॉलेज का मतलब क्यूबॉइड, तो ये अब इसके अंदर क्या होता है टेलस एक है नेवी कूलर एक है लड़का भी, लेकिन क्यूनिफॉर्म, क्यूनिफॉर्म क्यों नहीं, तो लड़के के पास 3 बहाने, तो क्यूनिफॉर्म 3 होती, फिर कल्कनस कल कॉलेज आए क्यूबॉइड, तो इस तरह से ये आपको ट्रिक याद करनी, 7 बोन है, तो लार्जेस्ट टार्सल कोनी जो पीछे की तरफ निकली है ये क्या है, ये कल्कनस होती है, नाम में देखो सबसे बड़ा नाम इनके अंदर इसी का है, तो कल्कनस जो है ये लार्जेस्ट टार्सल बोन है। इसके बाद मैं बात करता हूँ स्मॉलेस्ट टार्सल बोन कौन है, तो स्मॉलेस्ट टार्सल बोन कौन है, तो ये जो क्यूनिफॉर्म है, ये क्यूनिफॉर्म इसमें 3 होती हैं 1 2 3, जो सेकेंड क्यूनिफॉर्म है ये सबसे स्मॉलेस्ट टार्सल होती है, तो मैंने क्या बताया लड़के से पूछा टेलस नाम क्या था नेवी कूलर क्यों नहीं, तो ये क्यूनिफॉर्म ये 3 होती हैं फर्स्ट सेकंड थर्ड, और सेकंड क्यूनिफॉर्म स्मॉलेस्ट होती है क्यों नहीं कल्कनस यानी कल क्यूबॉइड कॉलेज आए, तो इस तरह से ये 1 ये 1 ये 3 ये 1 और ये 1 जोड़ दीजिए, देखो 2 3 5 6 और 7, 7 बोन होगी, तो बोन भी आपको याद करा दी। अब यहाँ पैर की जो हड्डी होती हैं पैर में ऊपर आपके थाई बोन है, फिर ये ऊपर ढक्कन पटेला है, और फिर नीचे पैर की ये बोन और ये बोन, और फिर आपका नीचे का जो पैर है ये, तो यहाँ जो है एक बोन है इसका नाम फेबुला है, एक का नाम टीबिया, तो ये पूछ रहा है टीबिया जो है वो लोअर एंड में किसके साथ, ये टीबिया नीचे की तरफ किससे जुड़ी है, तो ये टेलस से जुड़ी है, टी फोर क्या है टेलस, टेलस के साथ जुड़ी हुई है। इसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 19, और 19 पूछा है टंग इज अटैच्ड विथ, तो हमारी जो जीभ है ये मुंह में पीछे की साइड में एक बोन होती है जिसका ऐसे यू शेप की बोन होती है उसके साथ जुड़ी होती है टंग,
और वो बोन क्या है, दैट इज हायोड बोन, हायोड बोन होती है। बाकी बोन ओसीपिटल आपको पता, ये स्कल बोन बोन है, सेफनोइड बोन ये भी स्कल बोन है, एथमोइड ये सारी आपकी स्कल बोन की कैटेगरी में आती है। तो टंग अटैच विथ हायोड बोन। क्वेश्चन नंबर 20 पूछ रहा है कि विच ऑफ द गिवन बोन इज ए बैट और बटरफ्लाई शेप, इसमें से कौन सी बोन है जो बैट, बैट का मतलब समझ गए आप, चमगादड़। और आजकल चल रहा है ना कि कोरोना चमगादड़ से आया है, भाई आप भी इससे बच के रहना कोरोना से, है ना, और घर से बाहर मास्क लगा के निकलें, आते ही हाथ धोएं, किसी से हाथ नहीं मिलाएं, डिस्टेंस रखें, है ना, इन चीज़ों का ध्यान रखें। तो विच ऑफ द गिवन बोन इज बैट और बटरफ्लाई शेप, तो बैट जैसी या तितली के आकार की कौन सी बोन होती है, तो मैंने बताया होगा आपको थ्योरी में सेफनोइड बोन। तो सेफनोइड बोन हमारी जो स्कल बोन है मोस्टली बोन से जुड़ी होती है, कोई इसको बोलता है बैट शेप की, कोई बोलता है तितली के आकार की, बटरफ्लाई शेप की होती है। इसके अलावा इसी क्वेश्चन के अंदर एक क्वेश्चन और है, कोई पूछे चीक बोन कौन सी है, तो ये जाइगोमेटिक, आँख के नीचे जेड लिख लीजिए, आँख के नीचे दोनों साइड में जेड जेड और दोनों साइड में आपके चीक हैं, तो ये जाइगोमेटिक बोन, ये चीक बोन के नाम से जानते हैं। इसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 में क्या है, ऑल ऑफ द गिवन आर फ्लेट बोन, यानी जितनी भी बोन आपको नीचे दी वो सब फ्लेट बोन है, एक्सेप्ट यानी कौन सी फ्लेट बोन नहीं है। तो ऑल ऑफ द गिवन आर फ्लेट बोन एक्सेप्ट, तो कौन सी फ्लेट बोन नहीं है, तो देखो क्रेनियल बोन, आपके क्रेनियल बोन खोपड़ी भी ऊपर की हैं, ये तो फ्लेट बोन है। स्टर्नम जो आपके ब्रेस्ट के बीच में, ब्रेस्ट बोन, ये भी फ्लेट है। रिब्स जो हैं वो भी बिल्कुल चपटी होती हैं, तो कौन सी फ्लेट बोन नहीं है, वर्टिब्रा, ये टेढ़ी मेढ़ी होती हैं। और वर्टिब्रा सात कितनी होती हैं, सर्विकल, 12 थोरेसिक, 5 क्या लंबर, सैक्रम 5 जो फ्यूजन से एक हो जाती है, और कोकेक्स क्या है 4। इस तरह से ये बच्चे में होती हैं, बाद में 5 की एक, ये भी एक हो जाती है। तो ये वर्टिब्रा जो हैं आपकी, ये क्या है, ये फ्लेट बोन नहीं है, ये क्या है, इरेगुलर बोन है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 22 के अंदर क्या है, नी कैप इज, तो जो पटेला है इसको क्या बोलते हैं, नी कैप बोलते हैं, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 23 में आ जाइए, विच ऑफ द गिवन इज ए शॉर्ट बोन, शॉर्ट का मतलब छोटी छोटी, तो शॉर्ट बोन में देखो आपके हाथ में जो रिस्ट बोन है कार्पल, ये शॉर्ट बोन है, जो मैंने आपको बताया कितनी होती हैं, 8 होती हैं। और इसको हमने कैसे याद किया था कि कैपिटल में लूना पर हेलमेट के साथ ट्रैफिक पुलिस को टाटा, ऐसे। फिर मैं कहूँगा पैर के अंदर जो टार्सल वो 7 होती हैं, इनको कैसे कहा था, एक मेरे जैसा टीचर जो इंग्लिश हिंदी यूज़ करता है, उसने एक बच्चे से पूछा टेलस, टेलस हमें बताओ, बच्चे का नाम था नेवी कूलर, टेलस नेवी कूलर, क्यों नहीं, क्यूनिफॉर्म क्यों नहीं, कल्कनस, कल्कनस कल कॉलेज आए क्यूबॉइड, तो टेलस नेवी कूलर क्यूनिफॉर्म कल्कनस और क्यूबॉइड, ये क्या है, ये टार्सल, ये आपकी कैसी बोन है, ये भी स्मॉल बोन के अंदर आती हैं, यानी शॉर्ट बोन में आती हैं। तो इसके अंदर आप देखिए कि विच ऑफ द गिवन इज ए शॉर्ट बोन, तो कहेंगे कार्पल बोन, ये क्या है, शॉर्ट बोन है। ह्यूमरस आपके हाथ में होती है, बड़ी होती है, अल्ना रेडियस ये आपके अपर लिम में होती हैं, तो ये सब क्या है, लॉन्ग बोन की कैटेगरी के अंदर आती हैं। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 24, काफ़ी सारी एग्जाम में क्वेश्चन आता है, सेस्मोइड बोन कौन सी है, तो जो पटेला है इसको नी कैप भी बोलते हैं, और ये क्या है, ये सेस्मोइड बोन की कैटेगरी के अंदर आता है। इसके बाद क्वेश्चन है कि जॉइंट्स जो हैं, इजी क्वेश्चन, जॉइंट आर प्राइमरली, जॉइंट कितने टाइप के होते हैं, तो देख लेते हैं। देखो एक जॉइंट है जिसको आप बोलते हैं फिक्स जॉइंट, जिनके अंदर कोई मूवमेंट नहीं होता, या इनको फाइब्रस जॉइंट ही बोलते हैं, फिक्स जॉइंट, फाइब्रस जॉइंट। और ये जॉइंट हमारे स्कल, खोपड़ी की जो बोन है उनके बीच में होते हैं, जहाँ इनको बोलते हैं सूचर जॉइंट। तो एक ही बात है, फिक्स्ड, फाइब्रस या सूचर जॉइंट, ये एक ही टाइप है। दूसरा, जिनमें थोड़ा सा मूवमेंट होता है उनको स्लाइटली मूवेबल या कार्टिलोजिनस जॉइंट बोलते हैं, और जो फ्रीली मूव करते हैं उनको क्या बोलते हैं, साइनोवियल, साइनोवियल जॉइंट, उनको साइनोवियल जॉइंट बोलते हैं, फ्लूड भरा होता है। तो इसलिए जॉइंट आर प्राइमरली, तो कितने टाइप के, 3 टाइप के, तो आंसर क्या है, ए। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 26 के अंदर, और ये क्वेश्चन जो मैं डिस्कस करता था वही पूछा, जॉइंट बिटवीन स्कल बोन, तुम्हारी स्कल की जो बोन है इनके बीच के अंदर ऐसे जॉइंट होते हैं, ये फाइबरस जॉइंट है, ये फिक्स जॉइंट है, और इसी को क्या बोलते हैं, सूचर जॉइंट जो है वो बोलते हैं। इसके बाद आ जाइए क्वेश्चन नंबर क्या है,
27 क्वेश्चन नंबर 27 ने पूछा है कि फॉलोइंग जॉइंट इज नॉट करेक्टली मैच, विच ऑफ द फॉलोइंग जॉइंट इज नॉट करेक्टली मैच, किसको करेक्टली मैच नहीं किया गया है, तो कौन सा करेक्टली मैच है देख लेते। देखो बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, इसमें हिप जॉइंट भी आता है और इसमें शोल्डर जॉइंट भी आता है, और आपको पता हो तो आपकी जो फीमर है थाई बोन है वो आपके ऐसे हिप्स के अंदर कहाँ, ये आपकी थाई बोन है और हिप्स के अंदर ये कहाँ कौन सी केविटी में होती हैं, ए से एसीटा बुलम केविटी में होती हैं, और ऊपर यदि ह्यूमरस की बात करूँ वो गिलनोइड केविटी में होती है। तो बॉल एंड सॉकेट जॉइंट में हिप जॉइंट भी आता है और शोल्डर जॉइंट भी आता है। फिर दूसरा पूछा है हिंज जॉइंट, हिंज जॉइंट के अंदर आपके पैर के अंदर ये पैर यदि मैं यहाँ से बैंड करूँ तो ये वाला नी जॉइंट, इसके नीचे आपका पैर का पंजा है ये एंकल जॉइंट, तो हिंज जॉइंट में नी एंकल और एल्बो ये जो है आपके क्या है हिंज जॉइंट में आते हैं। उसके बाद पायोट जॉइंट, पायोट जॉइंट के अंदर क्या आता है, पायोट जॉइंट एटलस और एक्सेस के बीच आता है और रेडियस और अल्ना होती है उसके बीच में भी होता है। तो हमारी जो फर्स्ट वर्टिब्रा उसको क्या बोलते हैं एटलस, फर्स्ट साइकिल जो दुनिया में फेमस थी वो कौन सी थी एटलस, तो एटलस फर्स्ट वर्टिब्रा सर्विकल वर्टिब्रा और एक्सेस क्या है दूसरे नंबर की सर्विकल वर्टिब्रा है। इनके बारे में इन दोनों के बीच जो मूवमेंट होता है पायोट जॉइंट रोटरी मूवमेंट होता है, गर्दन को ऐसे ऐसे घुमा सकते हैं हम, और ऐसे ही हमारा जो हाथ है इसको भी हम देखो हाथ को बिल्कुल अंगुली को सीधी रख के और हम थोड़ा घुमा सकते हैं इसको एक ही जगह गोल गोल, तो ये क्या है रोटरी जॉइंट होता पायोट जॉइंट, ये भी सही है। फिर आता है कॉन्डिलोइड जॉइंट, ये गलत है क्योंकि इसमें रिस्ट जॉइंट आता है, इसे लिखा एल्बो, एल्बो जॉइंट जो है क्या हिंज जॉइंट है, तो क्वेश्चन नंबर 27 में कह रहा है नॉट करेक्टली मैच, तो इसका आंसर क्या है डी कॉन्डिलोइड जॉइंट जो है इसमें रिस्ट जॉइंट आता है एल्बो जॉइंट नहीं आता। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 28 जॉइंट बिटवीन द रेडियस एंड अल्ना, तो रेडियस और अल्ना के बीच में कौन सा जॉइंट है पायोट जॉइंट है, और ये ही जॉइंट किसके बीच में होता है एटलस और क्या है एक्सेस, ये क्या है पहली सर्विकल वर्टिब्रा ये दूसरी सर्विकल वर्टिब्रा, इनके बीच का जॉइंट क्या है पायोट जॉइंट। बॉल एंड सॉकेट में क्या एग्जांपल हैं, एक आपका शोल्डर जॉइंट दूसरा हिप जॉइंट, हिंज जॉइंट में चार जॉइंट आएंगे, हिंज के अंदर आपका एक एल्बो आएगा एक नी पैर के अंदर और एंकल आएगा, और एक आपका क्या आएगा एक आपका आएगा कि आपकी जो खोपड़ी है और आपकी वर्टिब्रा के बीच गर्दन को हम सामने की तरफ झुकाते हैं ऐसे ये हिंज जॉइंट है। तो इस तरह से ये हो गया 28 का आंसर हो गया। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 29, क्वेश्चन नंबर 29 कह रहा है जॉइंट बिटवीन ह्यूमरस, तो ह्यूमरस का मतलब समझ गए आपके हाथ की हड्डी, और पीछे की तरफ देखो यहाँ होता है ये ट्रायंगल बोन होती है स्कैपुला, और जहाँ ये दोनों मिलते हैं ये आपकी एच फॉर ह्यूमरस हाथ के अंदर ऊपर, और ये पीछे की तरफ क्या है ये स्कैपुला जिसको आप क्या बोलते हैं ये आपका शोल्डर गर्डल शोल्डर ब्लेड बोलते हैं, और ये जो है इसको पैल्वी गर्डल बोल देते हैं। तो ह्यूमरस और पैल्वी गर्डल के बीच में जो जॉइंट है ये कैसा ये बॉल एंड सॉकेट है, थोड़ा घुमा के पूछा है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 31 में क्या पूछा है नॉन मूवेबल जॉइंट कौन सा है, तो आप देख लीजिए देखो साइनोवियल जॉइंट जो हैं इनमें फ्री मूवमेंट होता है और साइनोवियल एक लुब्रिकेटिंग फ्लूड भरा रहता है, कार्टिलेजिनस जॉइंट में स्लाइट मूवमेंट होता है जो हमारी जो वर्टिब्रा है उनके बीच होता है, और हिंज जॉइंट एक तरह से ये क्या है ये साइनोवियल जॉइंट ही है, और जो आपका फिक्स जॉइंट फाइब्रस जॉइंट जिसको सूचर बोलते हैं ये कैसा नॉन मूवेबल जॉइंट, तो इसका आंसर क्या है ए इसका आंसर होता है। अब क्वेश्चन नंबर 31 जो वैसे तो इस टॉपिक से हटके है लेकिन डिस्कस कर दिया, देखो हमारे हेयर हमारे नेल और स्किन, तो बाल नाखून और स्किन कवर अंडर द बॉडी सिस्टम, ये हमारे कौन से बॉडी सिस्टम के अंदर इनका डिस्कशन होता है। फिर ऑप्शन दिए स्केलेटल सिस्टम में मस्कुलर में नर्वस में इंट्यूगमेंट्री, तो इसका आंसर है डी इंट्यूगमेंट्री, तो ये हमारा बॉडी का प्रोटेक्टिव सिस्टम है। देखो बाल हमारे सर को प्रोटेक्ट करते हैं, नाखून हमारे जो हाथ और पैरों में होते हैं ठोकर लगने से ऊपर से इंजरी से बचाते हैं, स्किन हमारे को प्रोटेक्ट करती है, तो ये हमारी बॉडी की जो कवरिंग है तो कवरिंग के जो बाल हैं वो उसमें नेल और स्किन ये सब आपका एक प्रोटेक्टिव सिस्टम है, और इसको हम कलेक्टिवली बोलते हैं इंट्यूगमेंट्री सिस्टम, याद रखना है। और उसके बाद में नेक्स्ट आपका लास्ट के अंदर ये यहाँ पे आपको आंसर की हमने दे दी है, आंसर की के अंदर हमारे अकॉर्डिंग सारे क्वेश्चन सही हैं।
फिर भी मैंने आपको बताया कि किसी भी तरह का आपको डाउट है तो ये आपके सामने व्हाट्सएप नंबर है, इस पे आप वॉइस मैसेज छोड़ सकते हैं, मैसेज ही छोड़ना, कॉल की जगह मैसेज छोड़ना, या इसके ऊपर आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। मैं व्हाट्सएप से या वॉइस मैसेज करके आपके आंसर का जवाब डेफिनेटली दूंगा, देर और सवेर लेकिन आपको जवाब मिलेगा। और आपको देखो ध्यान रखना, आपको भी घर के अंदर सेफ रहना है, देर और सवेर कोरोना का जवाब मिलेगा, कोरोना भाग जाएगा, ठीक है। लेकिन आप स्वस्थ रहिए, सेफ रहिए और पढ़ते रहिए। और इसी के साथ ही आपका बहुत बहुत धन्यवाद।